मैंने गरीब गांव में जिस जमीन पर अपना मकान है अपनी झोपड़ी रखता था, दबंग वहां से हटा देते थे, उजाड़ देते थे। किसी आपदा की चपेट में मकान आ गया, दोबारा वहां पर मकान वो बना पाएगा इसका कोई भरोसा नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर किसी गरीब का मकान है, जहां पर उसकी झोपड़ी है, उसका मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उसको प्राप्त होगा। इसके लिए 75 लाख परिवारों को अब तक प्रदेश में सुविधा दी जा चुकी है और दिसंबर तक हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश में 1,25,00,000 परिवारों को यह अधिकार हर हाल में उपलब्ध होना है। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। एक एक परिवार को चिन्हित करके, और मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास जो जरूरतमंद है, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अब तक 1,12,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। जो बचे होंगे, आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा, उनको भी आवास की सुविधा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात को बहुत नजदीक से समझा था और इसीलिए देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा महिलाएं बनी थी। देश की योजनाओं का आधार महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया था। आप देखेंगे एक एक योजना आज देश की आगे आजादी को केंद्र में रख करके, उन्हें ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एक निश्चित कालीन समीक्षा करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि जनधन अकाउंट से लेकर के देश के अंदर नारी गरिमा की प्रतीक बनी हुई हर घर शौचालय की योजना हो, या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वयं के सिर को ढकने के लिए छत नहीं प्राप्त कर पाया था, उसे आवास देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर के लिए आयुष्मान भारत की योजना, या फिर इन्हीं सभी कृषि क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे, उन गांवों में विद्युत की बिजली यानी वहां तक विद्युतीकरण करना और फिर फ्री में उन परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो, प्रभावी ढंग से जहां ये कार्यक्रम आगे बढ़े, वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद में बेटियों को और वहां पढ़ने वाले हर छात्र को आज वहां पर हम लोग उन्हें यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग और बुक्स दे रहे हैं, बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव को समाप्त किया जा सके, उन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, सूट, सॉक्स, स्वेटर, इस
धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिभावक के खाते में भेजने का कार्य किया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में एक और सरकार के स्तर पर पढ़ाई निःशुल्क, दूसरी ओर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार अब तक उन्हें उपलब्ध करा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोगों ने तय किया है नए सत्र में ये 15,000 की राशि 25,000 रुपए बढ़ेगी। 25,000 रुपए के बजट की व्यवस्था कर दी गई है। 17 लाख बेटियां भी लाभान्वित हैं। आने वाले समय में और भी बेटियों को इसके साथ उनका रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें हम इस योजना से लाभान्वित करने का काम करेंगे। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद में जो कदम उठाए गए आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने है। आपने देखा होगा आने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था और प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला कार्मिक थी और आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन अतिरिक्त भर्ती के कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू किया आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40,000 है। ये 40,000 संख्या इस बात को बताती है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा प्रदेश में 20% महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए भर्ती की और उसका परिणाम है 1.5 लाख भर्ती हुई, 1.5 लाख में 30,000 महिलाओं की भर्ती हो गई। भाइयों बहनों, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार अगर कार्य करने की चूक है, प्रभावी ढंग से योजनाओं को क्रियान्वयन पर जोर दे देगी, कोई कारण नहीं कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उसके परिणाम भी हमारे सामने सुखद रूप से आ रहे हैं।